तो गाइस मैंने फिट स्पार्क का एक एक्शन कैमरा मंगाया हुआ है काफ़ी रिसर्च करने के बाद और रिव्यू चेक करने के बाद अमेजन से। मैंने बहुत सारे कैमरे देखे थे, उन सबके रिव्यूज़ देखे, उन सबके परफॉर्मेंस के रिव्यूज़ देखे और काफ़ी रिसर्च करने R&D करने के बाद मैंने ये फिट स्पार्क का एक कैमरा मंगाया। ये एक्शन कैमरा है, मैंने GoPro लेने वाला था पर GoPro मुझे इस समय कॉस्टली पड़ रहा था लगभग 40 to 44,000 लगभग, जो हीरो GoPro 11 आया हुआ है और उससे अर्लियर मॉडल लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेना था तो फिर 11 ही लेता, पर मैंने एक टाइम पर आकर के GoPro को स्किप किया क्योंकि मैं अगर उसको ले लेता हूँ तो मुझे बाकी चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट करना है, तो मैंने सोचा चलो उसको बाद में कभी लेंगे, फिलहाल स्टार्टिंग करने के लिए इससे ही लेते हैं। इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। इसके साथ मैंने एक 128 GB का SD कार्ड मंगाया हुआ सैंडिस्क का, काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसके रिव्यू देख रहे मैंने रिकमेंडेड था इसलिए फिर मैंने इसको ये मंगाया, तो आप चाहें तो आप भी ये मंगा सकते हैं। तो फिलहाल ये मुझे लगभग 10,000 रुपीज़ का पड़ा आफ्टर डिस्काउंट वगैरह, और सेल में मैं इसको मिस कर गया था नहीं तो मुझे शायद ये 9,300 समथिंग पड़ जाता, लगभग 700-800 रुपये का प्रॉफिट कह रहा हूँ, मतलब सेविंग हो जाती। फिलहाल ये फिट स्पार्क का एक्शन कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, इसके काफ़ी रिव्यू अच्छे हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको पहले हटा के अलग रख देते हैं तो बाद में आएंगे, पहले इसको खोलते हैं। सबसे पहले इससे एक कैमरा बाहर निकालते हैं, तो ये है इसका ये कैमरा, देख सकते हैं आप एक्शन फिट तो कैमरा है इस तरह से देखिए, है ना, तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल लुक इसका एकदम GoPro की तरह ही है। और ये बाय डिफॉल्ट ये वाटरप्रूफ केस में आता है, तो देख सकते हैं आप इसका वाटरप्रूफ केस पहले से ही लगा हुआ है इसमें, तो ये काफ़ी सिक्योर रहता है अगर आप बारिश में या कैसे मौसम में जहाँ पर पानी वगैरह बरस रहा है या मॉइस्चर वगैरह उड़ रहा है, तो इससे आपको ये सेफ्टी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये ऑलरेडी इस केस में आता है, क्योंकि GoPro देखोगे तो GoPro सेम केस में नहीं आएगा, उसके लिए अलग से एक वाटरप्रूफ केस लेना पड़ेगा जो और भी कॉस्टली है, तो इसमें ऑलरेडी ये केस में है और माउंट दिया हुआ है, इसको आप खोलेंगे यहाँ से तो ये केस निकल आएगा। तो चलो इसको रख देते हैं पहले इधर और फिर निकालते हैं इसके साथ बाकी एसेसरीज। तो ये आ गई इसके साथ आई हुई चीज़ें, ये मैनुअल वगैरह हो गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। ये कुछ मैनुअल्स हैं, जैसे ये तो रेटिंग वगैरह का जो है सेलर का, ये स्टार्टिंग मैनुअल है और ये इसका कंप्लीट मैनुअल है कि आप इसको कैसे सेटअप करेंगे, इसका क्या फीचर्स हैं, सारी चीज़ें इसमें गाइड की हुई हैं। इसमें इसकी इस मेरे ख्याल से माउंट्स एंड केबल्स वगैरह होंगी सारी, एक एक करके सारी हैं इसमें। ये देखिए इसका ये स्विच भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सेल्फी स्टिक आती है उनमें आप एक ये ब्लूटूथ रिमोट होता है जिससे आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो दूर खड़े होकर के, सेम इसका ये रिमोट दिया हुआ है जिसमें आप शायद इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, इसके लिए हम बाद में इसको रिसर्च करेंगे। ये इसकी डेटा केबल्स हो गई, ये माउंट्स, मोस्टली इसमें सारे माउंट्स हैं, तरह तरह के माउंट्स हैं, टाई बैंड है अगर आप कोई वायर वगैरह लगाते हो जैसे माइक वगैरह तो आप उसको टाई कर सकते हो। ये बाइक के लिए माउंट दिया हुआ है कि इसमें आपको बाइक में अगर माउंट करना तो बाइक में लगा सकते हैं। स्ट्रैप्स हैं, ये सब स्ट्रैप्स हैं, ये स्टिकर है, जैसे भी अगर आपको कहीं ऐसी जगह सरफेस लगा के रखना है, सब माउंट्स हैं इसमें, बहुत सारे माउंट्स हैं इसमें दिए हुए हैं। ये भी इसका केस है, एक ये केस भी दिया हुआ है और कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं एंड ये क्लीनिंग क्लॉथ है और ये इसका मेरे ख्याल से ये बैक साइड का ये है, अगर ये ख़राब हो जाता है स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो एक ही अल्टरनेट ऐसा दिया हुआ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ आई हुई हैं जो मेरे ख्याल से GoPro के साथ नहीं आती। मैं कह सकता हूँ GoPro का अपना अलग यूज़ है क्योंकि वो भी एक अच्छा सा कैमरा है और काफ़ी कॉस्टली भी है, लेकिन ये भी कम नहीं है क्योंकि मैंने इसके भी रिव्यू पढ़े हैं, रिसर्च की, तो ही मैंने जा करके फाइनली मैंने सोचा कि इसको एक ट्राई देते हैं। GoPro तो आगे आता ही रहेगा क्योंकि एक ही कैमरा सफिशिएंट नहीं है, आगे चल के एक GoPro भी ले लेंगे। तो फिलहाल ये सारी इसके साथ ये एसेसरीज आई हुई हैं जिनको आप तरह तरह से यूज़ कर सकते हो, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसके साथ इतने सारे माउंट्स दिए हुए हैं, इस एक ये बैक स्क्रीन दी हुई है, मतलब ये केस दिया हुआ, केस के जो बैक साइड स्क्रीन है, ये रिमोट है, स्ट्रैप्स हैं, स्टिकर्स हैं, जैसे भी हैं कि इसको कहीं भी आप चिपका करके माउंट कर सकते हो, जैसे कार के डैशबोर्ड में आपने ये स्टिकर को लगा दिया ऐसे
और उस पर आपने ये कैमरा माउंट कर दिया, तो कितना अच्छा है ना, मोबाइल होल्डर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें आई हुई हैं, तरह तरह के माउंट्स, केस, ऑलरेडी इसका वाटरप्रूफ केस भी है, स्टिकर्स हैं, क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह, रिमोट वगैरह। तो चलो इसको वापस इसमें रख देते हैं, इसको तो बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल कैमरा सेटअप करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सेटअप करना है। देखा जाए तो पूरा बॉक्स फुल एक्सेसरीज है। अब करते हैं पहले इस केस को निकालते हैं। वैसे तो ये इसमें ऑप्शन है, यहीं से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये प्रेस कर सकते हैं ये बटन। तो पहले इसको देखते हैं कि कैसे इसको केस से अनबॉक्स करना है। ये तो नॉर्मली इसको यहाँ से खोलेंगे तो माउंट हो हट जाएगा, ये निकल गया। ये इसका माउंट ये यहाँ निकल, इसको साइड कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। तो ओके, तो ये इस तरह से खुलता है, ये यहाँ से ऐसा प्रेस करके बंद हो जाना है और यहीं से ऐसे खुलना है। तो बहुत ही अच्छी केसिंग लग रही है मुझे, और ये देखिए बहुत ही इजीली ये खुल गया, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना होगा। तो ये इसके अंदर कैमरा, उसको धीरे से निकाल लेते हैं। ओके, तो ये केस है इसका, बहुत ही बढ़िया केस है और बहुत ही मतलब इजी टू यूज़ है। ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग तरह का आपको उसमें करना है, सिर्फ आपने इसमें रखा कैमरा। अब फिलहाल देखते हैं कैमरा। तो ये है इसका एक्शन कैमरा, ये फिट स्पार्क का है और 4K में रिकॉर्डिंग करता है ये, बहुत ही बढ़िया कैमरा, बहुत छोटा है और बहुत ही लाइट है। मेरे ख्याल से GoPro मैंने कभी ख़रीदा नहीं, तो हो सकता है GoPro भी इसी मतलब इसी के आसपास ही होगा, मतलब वेट में। एंड इसकी बॉडी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार का स्टफ़ यूज़ हुआ हो, अच्छी मतलब स्टर्डी है। तो इसको ऐसा तो मैं अभी ये सब ये हटाना नहीं चाहता जो इसके ऊपर रैप लगे हुए हैं, हटाना तो पड़ेगा, लेकिन मेन तो ये हटाना पड़ेगा इसका, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी तो इस लेंस को तो क्लियर करना पड़ेगा। बाकी इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको तो आप लगा रहने दे सकते हैं, ताकि इससे स्क्रीन पर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। अगर आप कुछ और चीज़ नहीं लगाते हैं तो इसको लगा रहने दीजिए, इससे कोई रुकावट भी नहीं है, तो फॉर टाइमिंग ही अपने आप ही मतलब रिमूव हो जाएंगे। तो इसको पावर ऑन करते हैं, देखते हैं कि पावर ऑन होता है या नहीं होता बैटरी इसमें। हाँ, बैटरी से याद आया कि बैटरी इसमें यहाँ पर है, ये इसका बैटरी इंसर्टन है। तो ये रही बैटरी, इसमें बैटरी ऑलरेडी एक लगी हुई है। मैंने इसके साथ दो बैटरी और एक बैटरी चार्जर अडाप्टर भी मंगा लिया, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये बैटरी इसमें लगी हुई है, एंड इसको वापस से बंद कर देते हैं एंड इसको ऑन करते हैं। तो ऑन मेरे ख्याल से यहाँ का, पहले मुझे इसका मैनुअल देखना होगा, ये इसका मैनुअल है, तो सारी चीज़ें दी गई हैं, मैनुअल देख करके आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये इसका पावर बटन है, ये ओके बटन है, सेलेक्ट बटन है, तो ये इसका पावर बटन है। तो देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं होता है, मैंने इसको प्रेस कर दिया एक बार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैटरी इसकी अभी के कम्प्लीटली डिस्चार्ज है, तो मुझे इसको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको ऑन। ऑन करने के लिए इसको पावर बटन को थोड़े से प्रेस करके रखेंगे और ये ऑन हो गया। ऑन होते इसकी स्क्रीन पूरी इस तरह से आ जाती है। तो फिलहाल ये कैमरा सेटअप हो गया इसका। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं वो चेंज कर ली हैं, कम्प्लीटली चार्ज देखते हैं। इसमें 4 hours का बताया कि टाइमिंग मतलब रिचार्ज टाइम है, 4 घंटे में ये कम्प्लीट चार्ज हो जाएगा। डिवाइस ये मैंने मंगाया है अपने कैमरे के साथ साथ, एक फिट स्पार्क चार्जर, आपका बैकअप चार्जर एंड 2 batteries। ये इसकी डेटा केबल हो गई, ये भी फिट स्पार्क का ही है और ये इस तरह से ओपन होता है और यहाँ पे दोनों बैटरी लग के चार्ज हो जाएंगी। ये बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं इन केस इमरजेंसी के लिए, क्योंकि एक बैटरी से इतना ज़्यादा बैकअप मैं मानता नहीं है। तो मैं रियल टाइम पे चेक करूँगा कि एक बैटरी कितना बैकअप देती है। जब चार्ज करते हैं तो यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक होती है, ब्लिंक नहीं होती मतलब ऑन रहती है, जब वो चार्ज हो जाती है तो वो बंद हो जाती है। बैटरी भी मैंने चार्ज पे लगा दी है, जो बैकअप बैटरीज हैं। तो चलिए इस तरह से ये सेटिंग है, आप भी ये कैमरा मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी हद तक ये रिकॉर्डिंग करता है। अभी इसकी मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके उसमें देखूँगा कि इसमें क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। तो पहले इसको अच्छे से चार्ज कर लेते हैं, फिर इसको यूज़ करेंगे। तो अब इसको पावर ऑफ कर देते हैं,
और ये पावर ऑफ हो गया। वैसे देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन देख रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी हीट हुई है। अब ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि हीटिंग जो प्रॉब्लम्स है वो इवन गोप्रो में भी है, और इसमें तो होनी होनी है क्योंकि ये उससे चीपर प्राइस में है। तो थोड़ा सा प्रो एंड कॉन्स दोनों आते हैं कि कुछ फ़ायदे भी मिलेंगे इसके साथ, कुछ नुकसान भी। तो आप इसकी ऐप डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कमेंट में बताइएगा आपने ये कैमरा यूज़ किया है नहीं किया है, अगर आपने यूज़ किया है तो उसके क्या क्या प्रो एंड कॉन्स रहे हैं। मेरी तरफ से तो इसको ये थम्स अप है क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में अवेलेबल है, सेम वर्क करता है, हीटिंग इश्यू GoPro में भी आता है, इसमें भी आएगा ही। अभी मैं इसको बाहर जब आउटडोर यूज़ करूँगा तभी इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस पता चल पाएगा, क्योंकि ये इंडोर शूट के लिए तो है ही नहीं।